तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी मनसे आक्रामक हो गई है और दादर पुलिस स्टेशन में मनसैनिकों ने दर्ज कराई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत। आपको बता दूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने वाराणसी में राज ठाकरे के पिता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद मनसैनिक भड़क गए और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में मनसे की लीगल टीम ने शिकायत दर्ज कराई है। मनसे ने अपनी शिकायत में कहा है कि ब्रिजभूषण लगातार राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे, भड़काऊ बयान दे रहे, साथ ही में मराठी और हिंदी भाषिक लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे, इसलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 153A सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। एमएनएस की लीगल टीम ने दावा किया है कि उनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कहा है कि शिकायत दर्ज की जाएगी। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मनसे के नेता और कार्यकर्ता अब आक्रामक हो चुके हैं और दादर पुलिस स्टेशन में ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आज मनसे की लीगल टीम पहुंची है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।